हम सभी की जिंदगी की अपनी कहानी है, नसीब अपना अपना, दूसरों से अलग। लेकिन किसी कारण से लोगों ने किताबों को छांटते हुए अपना जीवन सुलझा लिया है। जन्म, किंडरगार्टन, स्कूल, 25 तक पहुंचते पहुंचते परिवार, करियर बनाना और जन्म देना, 30 तक दो बच्चे हर किसी की तरह, ये सामान्य जुमला बस हर किसी की तरह आया कहां से? बाकी सब कौन है? हम सब अलग अलग हैं। मेरा नाम एना नोविकोवा है और ये मेरी कहानी है जो काफी सामान्य रूप से शुरू हुई लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ। आप इसे खुद देख लीजिए। हाँ डैड, शायद आपने मुझे जन्मदिन की बधाई देने के लिए फोन किया होगा। हाँ, मैं फिर भूल गई। हाँ डैड, आप तारीखों के मामले में सबसे खराब हैं। नहीं डैड, आपको आज मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। मैं समझ गई, मेरे दोस्त और मेरा कोई खास है। ओ डैड, मेरे दोस्त आ गए हैं, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। हेलो हनी। हेलो, तुम्हें देख के बहुत खुशी हुई। मुलाकात नहीं हुई, तुम्हारा जन्मदिन मुबारक हो तुम्हें। हैप्पी बर्थडे। शुक्रिया। ये तुम्हारे लिए। ओ बहुत खूबसूरत है, आओ अंदर। हैप्पी बर्थडे। तुम लोग हैप्पी बर्थडे, अच्छी लग रही हो। नाइस ड्रेस, अच्छी लग रही हो। हाय। हाय, हैप्पी बर्थडे। शुक्रिया। ओ पीले, तुमने कहा था कि तुम्हें फूल पसंद नहीं है। मुझे याद नहीं है। और ये रहा केक। ओ, कम फैट्स। अच्छा है, 30 के बाद मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ जाता है। ठीक है, मैं शेफ हूँ। हाँ, सिर्फ अभी के लिए, और जब तुम जन्म दोगी तो वापस शेप में आना मुश्किल होगा। वेरा, तुम किस बारे में बात कर रही हो? मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। बहुत बड़ी गलती। अगर किरण ने बहुत पहले ही तुम्हें हासिल कर लिया होता तो आज तुम एक शादीशुदा औरत होती, एक बच्चे के साथ। चटमंगनी पट ब्याह मेरे लिए नहीं है। बच्चा होने के लिए दोनों पार्टनर्स फैसला करते हैं और लगता है उसे इसमें दिलचस्पी नहीं है। लेडीज लेडीज, मुझे हाल ही में एक डाइट पता चली है, सभी हॉलीवुड स्टार इसी डाइट पर हैं। आप बर्फ के टुकड़े फ्रीज करें और फिर आप उन्हें चबाएं और चूसें। चूसते रहे? सच? लहरा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुमको रेसिपी ठीक से याद है? हाँ, मैं इसे सोमवार से करने जा रही हूँ। और मैं अभी के लिए मना कर दूंगी। हालांकि नहीं, मैं बर्फ जमा दूंगी। शायद कल जब मैं उठूंगी, समझो कि मैं 18 साल की नहीं हूँ। मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाएगा और धमाका होगा 10 kg+। मोमबत्तियाँ मोमबत्तियाँ मोमबत्तियाँ, वो यहाँ है, ये रही। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Anya. Happy birthday to you. मुझे लगा तुम छोटी हो। जब तुम उससे मिले थे तब वो छोटी थी ना। क्या तुम लोग शादी करने जा रहे हो या फिर? मेरा तो पहले ही 2 बार तलाक हो चुका है। तुम क्या सोच रहे हो शादी के बारे में? तुम लोग तो शादी करोगे ना? पीते हैं। चीयर्स। चीयर्स। चलो अच्छा कुछ पीते हैं। चीयर्स। तुम्हारी खुशी के लिए। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। चीयर्स। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया। आन्या, मैंने कल तुमसे कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं तुम्हारा बर्थडे बर्बाद नहीं करना चाहता था। तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत अनोखी, स्मार्ट हो, लेकिन मुझे एक परिवार चाहिए। कहना क्या चाहते हो? बच्चे। हाँ हाँ। स्वस्थ बच्चे।
तुम 35 साल की हो और संभावनाएं तुम्हारे पक्ष में नहीं है। मैं एक लड़की से मिला, वो 26 साल की है। मैं तुमसे ब्रेकअप कर रहा हूँ। क्या? तो तुम्हारी जिंदगी में एक और औरत है और तुम मुझे उसके बारे में इस वक्त बता रहे हो? तुम मेरा जन्मदिन बर्बाद नहीं करना चाहते थे, तो क्या अब तुमने कुछ भी बर्बाद नहीं किया? चलो ज्यादा हाइपर मत हो। हाइपर? तुम क्या बोल रहे हो, मैं बिल्कुल शांत हूँ। तुमने मुझे बूढ़ी कहा जबकि मैं तुमसे 5 साल छोटी हूँ। लेकिन मैं एक मर्द हूँ। तुम एक मर्द हो? तो क्या रात को हमारा सेक्स क्या अलविदा का तोहफा था? वैसे सेक्स उतना अच्छा नहीं था हमेशा की तरह। बाय। गुड लक। किस मूर्ख ने तय किया कि बिस्तर में कॉफी एक अच्छा आइडिया है? सुबह में अपने दांत ब्रश करना, टॉयलेट जाना, गहरी सांस लो, शांत हो जाओ। 10 में से 8 शादियां तलाक पर खत्म होती हैं। आर्थिक रूप से तलाक घाटे का सौदा है। एक वकील की हैसियत से मैं ये जानती हूँ। रूस में हर तीसरा बच्चा बिना बाप के बड़ा होता है, तो मुझे पति की क्या जरूरत है? करियर आपको हिम्मत देता है और आजादी देता है। झटपट शॉवर, मेकअप और जॉब। हेलो एना सरगीवाना। हेलो। ओह, तुम्हारा तो एक पैर कब्र में है। ओ शुक्रिया डियर, मुझे आज बताया गया कि मैं एक पुरानी काली मिर्च का डिब्बा हूं। अब छोड़ो भी। हाँ हाँ, शुक्रिया। दोस्तों वो आ रही है, तैयार हो जाओ। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। मैं सच में बहुत खुश हूँ। एना सरगीवाना, हम तुम्हारा प्रमोशन कब सेलिब्रेट करेंगे? जल्द ही, जैसे ही इसका ऑफिशियल ऐलान होगा। लेकिन तब तक केक और चाय से काम चलाते हैं। मामला सुलझता नजर आ रहा है। एक महीने पहले एंड्रयू यूरिच डिप्टी डायरेक्टर की पास्ट के बारे में बातें कर रहे थे। कोई और इससे अच्छा नहीं कर सकता। सीडोरोफ हमारी राइफल कंपनी में काम कर रहा है और तुम्हारे पास क्लाइंट्स की एक अच्छी संख्या है। ठीक है, हाँ, लेकिन हमें अपने आप से आगे नहीं जाना चाहिए। अपनी मदद खुद करो। मुझे आशा है कि केक मजेदार होगा। एना सरगीवाना, ये तुम्हारे लिए। शुक्रिया एंड्रयू यूरिच। ठीक 35 है, मैंने इसे खुद गिना। सच में मैं तुम्हारी सराहना करता हूँ। मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ याना के बारे में। तुम हमारे कंपनी में सबसे अच्छे वकीलों में से एक हो। और तुमने कैसे निकिफोरोवो का बचाव किया? निकिफोरोवो, वो इसे किताबों में लिखेंगे और फिर तुम लॉ स्कूल में पढ़ाओगी। यूरिच, काम की बात करो। क्या हम आज एना सरगीवाना के प्रमोशन का जश्न मनाने जा रहे हैं? ओह ठीक है, मैं सबको कल बताना चाहता था, लेकिन टीम जोर दे रही है तो ओह ठीक है, मैं अपनी डिप्टी से आपको मिलवाता हूँ, एलिना पेट्रियान को। हेलो एवरीवन। क्या सरप्राइज है। आप थोड़े हैरान हैं। एलिना ज्यादा समय पहले यहाँ नहीं आई थी। वो अभी भी बहुत जवान है, लेकिन उसका भविष्य बहुत ही आशाजनक है और हमें कुछ नए खून की भी जरूरत है। एनरी, ये हम नहीं हैं जिन्हें नए खून की जरूरत है, ये तुम हो जिसे एक नई जवान और सुंदर लड़की की जरूरत है। चलो केक खाते हैं। हाँ, चलिए।
पहली मंजिल। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? बेशक आना सरगिवाना, तुमको देखकर हमेशा खुशी होती है। प्लीज बैठ जाओ। एंड्री, यू रिच, मैंने 3 साल से छुट्टी नहीं ली है। मुझे लगता है कि तुम मेरे बगैर कुछ हफ्ते काम कर सकते हो। इसके अलावा अब तुम्हारे पास एक डिप्टी है, तो मैं आज जा रही हूँ। आन्या, तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। कई चीजें हैं जो एलिना की समझ से बाहर है, उसे अभी बहुत कुछ सीखना है। एंड्री, मैं तुम्हारे लिए 10 साल से काम कर रही हूँ, तुम्हारी कंपनी को मुसीबतों से बाहर निकाला है और तुम एक अनाड़ी लड़की को अपनी डिप्टी बना रहे हो। कल की स्टूडेंट, दस्तावेजों को अदालत तक ले जाने के लिए उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तुम्हें पता है क्या, मैंने छुट्टी पर जाने के लिए अपना मन बदल लिया है। अब मैं काम छोड़ रही हूँ और बेहतर होगा कि तुम इस एप्लीकेशन पर साइन कर दो। मैं एक बहुत अच्छी वकील हूँ और ये तुम जानते हो। तुम्हें येंडेक्स जैन पर अपने बुरे बॉस के बारे में लिखना चाहिए। मैं लिखूंगी, मेरा पेज बहुत पॉपुलर है, लगभग 10,000 सब्सक्राइबर है। सुनो, एक घटना हो गई। मैंने अपना स्विम सूट टांग दिया था और वो उड़ गया। शायद वो यहाँ आया है। अंदर आइए। वाव, बहुत सुंदर, कितना आरामदायक है ना। ये क्या है? ओह हाँ, ये मेरा है। अजीब बात है, शुक्रिया। क्या तुम्हें पता है कि दोपहर के 3 बज रहे हैं? ये आंखों में चमक के लिए है, गलीना। आन्या, क्या ये ठीक बात है कि तुम मेरे ही कमरे में पी रही हो? तुम इतनी फॉर्मेलिटी क्यों कर रही हो? तुम्हारी उम्र क्या है? 35। ओ, हम एक ही उम्र के हैं। आओ बैठ जाओ। वैसे मुझे फॉर्मेलिटीज करना पसंद नहीं है। शादीशुदा हो? ओ, शादी नहीं हुई, मैं इसे तुम्हारी आंखों में देख सकती हूँ। ओ, मैं भी तलाकशुदा हूँ। उसकी नजर बुरी थी, वो एक स्कर्ट चेजर था। तुम बहुत उदास हो, खेलो और आराम करो। चलो अब हम पीते हैं। क्या तुम कल्पना कर सकती हो, मेरे एक्स हस्बैंड ने मेरी सबसे अच्छी सहेली के लिए मुझे धोखा दिया। वो भी तुम्हारी तरह दुबली पतली थी और मैं उसकी टांगे चीर देना चाहती हूँ। सुनो, मुझे अपने बारे में कुछ बताओ। वैसे इसमें बताने जैसी कोई बात नहीं है। मैं 35 साल की हूँ, वकील हूँ। हालांकि मैंने कल काम छोड़ दिया। मैं सेंट पीटर्सबर्ग लौटने पर नौकरी की तलाश करूँगी। शादी नहीं हुई है, कोई बच्चा नहीं है और कोई दोस्त भी नहीं है मेरा। मेरा मतलब बस आदत है। हम मिलते हैं, छुट्टियों पर एक दूसरे को बधाई देते हैं। मेरे माँ बाप जिंदा हैं, इसके लिए भगवान का शुक्र, ईश्वर का शुक्र। लेकिन उन्हें मेरी अब परवाह नहीं है। मेरी माँ का अपना परिवार है और मेरा सौतेला भाई इस साल ग्रेजुएशन कर रहा है। डैड ठीक है, वह हमेशा किसी को ढूंढ लेते हैं।
इस साल वो मुझे जन्मदिन की बधाई देना भी भूल गए। मुझे लगता है कि अगर मैं उन्हें फोन करना और उनसे मिलना बंद कर दूं, तो वो भूल जाएंगे कि उनकी एक बेटी भी है। अच्छा, कम से कम तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड तो होगा, ये अच्छी हेल्थ के लिए जरूरी है। एक था, लेकिन उसने मुझे छोड़ दिया। कोई भी बड़ी उम्र की औरत से शादी नहीं करना चाहता, और बच्चे को जन्म देने के लिए मुझे बहुत देर हो चुकी है। अगर मैं अब किसी से मिल भी लूं, तो बच्चे को जन्म जरूर दूंगी। जब बच्चा स्कूल जाएगा तो मैं 40 की हो जाऊंगी। जब मैं इंस्टीट्यूट में होगा तब मेरा रिटायरमेंट हो चुका होगा, और मैं बच्चे की परवरिश कैसे करूं? ठीक है, हम अभी भी रिटायरमेंट से बहुत दूर हैं। तुम हमें बोर्ड से जरा जल्दी निकाल रहे हो, हम अभी भी जवान हैं। ठीक है, हमें कोई राजकुमार नहीं मिल सकता, लेकिन हम उनके घोड़ों की सवारी तो कर सकते हैं। उस गंजे आदमी को तो देखो। चलो भी, अब उदास मत हो, मैं जाकर एक आदमी की तलाश करती हूँ। जागो जागो, ठीक है। हाँ, हेलो लिटिल मरमेड। लेटे रहो। चक्कर आ रहे हैं? नहीं। तो दर्द हो रहा है? नहीं। एक सेकंड रुको, यहाँ देखो। अच्छा, यहाँ परफेक्ट। पलके झपकाओ, फिर पलके झपकाओ, झपको। हाँ, परफेक्ट। अच्छा, छोटी जलपरी, तुम गलत जगह क्यों कूद गई थी? मैं? हाँ, तुम? कहाँ हूँ मैं? अस्पताल में। हमें एक फॉर्म भरना चाहिए, अंतिम नाम, पहला नाम, गार्जियन, जन्म की तारीख। मुझे नहीं पता। क्या मतलब है कि तुम नहीं जानती? तुम्हें कुछ याद नहीं? मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, मैं बिल्कुल नहीं जानती। क्या ये मेरे कपड़े हैं? नहीं, हमें एक चैरिटी फंड से मिले। मुझे अफसोस है, लेकिन तुम्हें एक बात सूट में लाया गया। खैर, हम तुमको यहां ज्यादा देर तक नहीं रख सकते, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन। हमें इसके बारे में कुछ करना चाहिए। अनिष्का, जो साइकोलॉजिस्ट से लेकर आया था, वो यहाँ है क्या? हाँ, वो वेट कर रहे हैं। उसे बुलाओ। वो अजीब है। कहा ना मैंने उसे बुलाओ। वैसे ये हमारा केस नहीं है। हमें अकेला छोड़ दो। ठीक है, जैसा तुम चाहो। हेलो, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मेरा नाम सरगई पालिच है, और तुम? मैं अपना नाम नहीं जानती, मैं अपने बारे में कुछ नहीं जानती। उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारी याददाश्त चली गई है, तुम्हारा सिर चट्टान से टकरा गया था और मैं तुम्हें वहां से उठाकर यहां ले आया। इसके लिए शुक्रिया। चिंता मत करो, हमने तुम्हारे बारे में पुलिस को जानकारी दे दी है। तुम्हारे शरीर की हालत के मुताबिक तुम्हारे सभी दांत सुरक्षित है और त्वचा लचीली है। तुम्हारी उम्र 25 साल से ज्यादा नहीं है और कोई भूरे बाल भी नहीं है। हाँ, स्त्री रोग विशेषज्ञ ने तुम्हारी जांच की है। तुम्हारे रिश्तेदार या मंगेतर शायद अब तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। क्या पता मेरा कोई रिश्तेदार ही ना हो, शायद मैं अनाथ हूं। कोई तो जरूर होना चाहिए। तो फिर तुम यहाँ कुछ दिनों के लिए अस्पताल में रहोगी, और फिर वो तुम जैसे लोगों को किसी पुनर्वास केंद्र में भेज देते हैं। अगर तुम्हारी याददाश्त वापस नहीं आती है तो क्या?
क्या होगा अगर याददाश्त वापस आ जाए तो अच्छी बात है। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? ठीक हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ ये फ्रूट्स लाया हूँ। ये कुछ नहीं खाती, मुझे दलिया पसंद नहीं है और मुझे याद ही नहीं है क्यों। खैर ये प्रोग्रेस है, तुम्हें अभी भी स्वाद का एहसास है। हमें सिर्फ ये चेक करना है कि तुम्हारी रिकवरी हो रही है या नहीं। कैसे? मेरी प्रैक्टिस के दौरान एक चित्रकार की कहानी थी, 2 साल तक उसकी याददाश्त वापस नहीं आई और फिर अचानक उसने चित्र बनाना शुरू कर दिया और अपने जीवन की तस्वीर बनाई। बहुत ही दिलचस्प है। चलो देखते हैं, ये एक कागज का टुकड़ा है और एक कलम, कुछ बनाओ, कोशिश करो। आखिर मुझे क्या बनाना चाहिए? तुम्हारे दिमाग में जो कुछ भी आता है। मुझे नहीं पता। क्या इसका कोई मतलब है? हाँ बिल्कुल, तुम निश्चित रूप से चित्रकार नहीं हो। पीटर इवानोविच, मेरे दोस्त, प्लीज मेरी मदद करो। हाँ हाँ हाँ, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक है, तुम जानते हो अगर किसी इंसान की याददाश्त पहले 3 दिनों में वापस नहीं आती तो ये एक लंबी दौड़ जैसा होगा। मैं तुमसे मदद करने के लिए कह रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मंद रहूंगा। वो मुझे ले जा रहे हैं। हाँ मुझे पता है, और मेरे पास तुम्हारे लिए एक अनोखा प्रस्ताव भी है। मैंने तुम्हारी जान बचाई और मैं तुम्हारे लिए जिम्मेदार हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मॉस्को चलो। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और मेरी प्रैक्टिस के दौरान ऐसे कई लोग थे जो अपनी नई जिंदगी में वापस लौट आए। मेरे पास तुम्हारी सेवाओं के भुगतान के लिए पैसे नहीं है। जब तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाएगी तब मैं अपने सभी खर्चों को कवर कर लूंगा, तब तुम मेरी सेवाओं के लिए पूरा या अधूरा भुगतान कर सकती हो। मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मेरे पास कोई दस्तावेज भी तो नहीं है और मैं कहीं आ जा भी नहीं सकती। मुझे नहीं पता कि मैंने तुम्हें बताया या नहीं, लेकिन मैं एक सामान्य साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ। कभी कभी मैं सुरक्षा अधिकारियों की सहायता करता हूँ और इसके बदले में वो लोग मेरी भी सहायता कर देते हैं। मैं तुम्हें नए दस्तावेज दूंगा। क्या ये संभव है? और मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानती। तुम किसी को नहीं जानती, लेकिन मैं ये कहने की हिम्मत कर सकता हूँ कि मैं तुम्हें जानता हूँ। अब तुम्हें तय करना है, या तो तुम दूसरे अस्पताल जाओ या मेरे साथ मॉस्को चलो। समय हो गया, कार आ गई है। ऐना, कितना सुंदर नाम है, हमें एक मिनट और दो। ये रहा तुम्हारा नया पासपोर्ट। ऐना, नर्स का भी यही नाम था। सुंदर नाम है ना, तुम्हें पसंद नहीं आया? मैं नहीं जानती। मैंने तुम्हें अपना मिडिल नेम सर्गिवना और अंतिम नाम नोवकीवा दिया, जैसे आप एक नया जीवन शुरू करते हैं। मैं तुम्हारा जन्मदिन 2 अगस्त को रखना चाहता था, जिस दिन मैंने तुम्हें बचाया था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि बुरी यादों से बचने के लिए इसे 1 अगस्त रखना बेहतर है। तो इस दिन से तुम्हारा नया जीवन शुरू होता है। देखो हमारी कार भी आ गई। ल्योशा, एयरपोर्ट चलो। ठीक है सर्गेय पालिच।
शर्माओ मत, अंदर आ जाओ। आज से तुम यहीं रहोगी। और तुम? मेरा एक और अपार्टमेंट है, मेरे लिए वही सही रहेगा। इसे अपना ही घर समझो। मैं स्टोर से तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने के लिए लेकर आता हूँ। ये मेरा शुरुआती काम है, अब मैं आगे से ऐसा नहीं लिखूंगा। तो किस्मत जैसा कुछ नहीं है? भला मैं कैसे समझाऊं? थोड़ा सा हाँ और थोड़ा ये कि हम खुद फैसला करते हैं। मैंने चरित्र के सिद्धांत पर आधारित ये किताब लिखी है। गौर करो, हर इंसान एक निश्चित चरित्र के साथ पैदा होता है। ऐसे लोग भी होते हैं जो उद्देश्यपूर्ण या विद्रोही होते हैं, और कुछ लोग बस रोते हैं और चुगली करते रहते हैं। वो कितने भी बूढ़े हो जाए लेकिन उनकी फितरत नहीं बदलती। सलाद के लिए ककड़ी को धो लो। हाँ हाँ ठीक है। तो तुम पढ़ाई की बात कर रही थी, लेकिन टैलेंट की बात करें तो ये ऊपर वाले की देन है। आप किसी इंसान को शानदार कविताएं लिखना, संगीत या कोई महान वैज्ञानिक खोज करना नहीं सिखा सकते। ये एक शक्ति होती है, एक प्रेरक शक्ति जो इंसान के अंदर से आती है। आप बुनियादी संगीत आसानी से सीख सकते हैं, लेकिन मोजार्ट की तरह संगीत रचना के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको मोजार्ट पैदा होने की जरूरत है। मैं मशहूर लोगों और अधिकारियों के साथ काम करता हूं, और मैं ये बता सकता हूं कि एक इंसान क्या करने के काबिल है, भले ही वो कोई बच्चा क्यों ना हो। मुझे ये पहले ही पता चल गया है, तुमने मेरा नकली पासपोर्ट बनवा दिया है। मैं किसी जासूस की तरह महसूस कर रही हूँ। किसी भी इंसान की जिंदगी में पासपोर्ट मुख्य चीज नहीं होती है। ये सिर्फ एक डेटा है कि एक इंसान कब और कहाँ पैदा हुआ था और वो कहाँ रहता है। आप पासपोर्ट डेटा के आधार पर किसी की सही पहचान नहीं कर सकते। और इससे भी बढ़कर एक चीज ये है कि ये किस्मत को प्रभावित नहीं करता। तो आखिर किस्मत जैसा कुछ है? एक खास हद तक हाँ। हम सभी एक निश्चित रूप, चरित्र, प्रतिभा के साथ पैदा हुए हैं, लेकिन सभी अपने तरीके से नहीं चलते हैं। कभी कभी लोग दूसरों के प्रभाव में पड़ जाते हैं और भयंकर गलतियां करते हैं। तुम बहुत स्मार्ट हो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने गलतियां की हैं। मुझे बताओ इसके बारे में। सलाद खाओ, विटामिन सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। हर किसी की अपनी गलतियां होती हैं। जब मैं 20 साल का था, मैं एक कमाल की लड़की से मिला, एक असाधारण सुंदरता, कुछ तुम्हारी जैसी। ये पहली नजर का प्यार था, दो तरफा प्यार। वो प्रेग्नेंट हो गई और हमने शादी करने का फैसला किया, और फिर मुझे पता चला कि वो मुझसे 10 साल बड़ी है। हाँ, मैं उससे प्यार करता था, लेकिन मैंने अपने रिश्तेदारों और लोगों की बात सुनकर मैंने उससे नाता तोड़ दिया, और वो मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चली गई। तो तुम्हारा एक बच्चा है? मेरा कोई बच्चा नहीं है, मैंने उसे त्याग दिया। और मेरे पास प्यार भी नहीं है, मैंने उसे भी त्याग दिया। फिर 20 साल की उम्र में मैंने सोचा कि सब कुछ अभी भी बाकी है, बहुत कुछ बाकी है। और 45 साल की उम्र में मुझे एहसास हुआ कि किस्मत हर किसी को दूसरा मौका नहीं देती। मैं खुश रह सकता था, लेकिन मैंने अकेला रहना चुना। अब मैं अकेला हूँ। ओह, मैं चैटिंग के समय का ट्रैक गवा चुका हूँ। हाँ, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, और तुम्हें सोचने की ज़रूरत है। कल हमें तुम्हारे लिए कोई जॉब ढूंढनी होगी। इस बारे में सोचो, डार्विन ने कहा है कि एक बेकार व्यक्ति सिर्फ एक बंदर है। मुझे लगता है उन्होंने कहा था कि मेहनत ने मनुष्यों को बंदर से इंसान बनाया है। मुझसे बहस मत करो, और हाँ, ये कुछ पैसे रख लो,
अपने लिए कुछ नए कपड़े खरीद लो और ब्यूटी पार्लर जाओ, ठीक है? औरतों की इन बातों को तुम मुझसे ज्यादा बेहतर जानती हो, और सोचो कि तुम अपनी इस नई जिंदगी में क्या करना चाहती हो। ठीक है। ये अजीब है कि उसे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं है, लेकिन डार्विन याद है। खैर, देखते हैं कि एक नई तरह की गतिविधि उसे कैसे प्रभावित करेगी। माफ करना, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? हाँ, मैं अपनी बेटी के वार्डरोब को उसके 18वें जन्मदिन के लिए बदलना चाहती हूँ, और आप बिल्कुल उसकी जैसी दिखती हैं, वो भी लंबी दुबली पतली है। अगर आप बुरा ना माने तो आप इसे एक बार ट्राई कर सकती हैं। ठीक है, मैं खुद अपने लिए कुछ चुनने की कोशिश कर रही हूँ, और मैं अभी तक फैसला नहीं कर सकती। ओह, आप जानती हैं यहाँ कपड़ों का एक बड़ा कलेक्शन है, अमीरों को शर्मा देने वाला, और सबसे अहम 85% ऑफ है। मेरे कलीग ने मुझे आने की सलाह दी, आप प्लीज ट्राई करेंगी? ठीक है, चलो फिटिंग रूम में चलते हैं। आप तो बिल्कुल एक मॉडल की तरह हैं। ये लीजिए, इसे भी ट्राई करिए। जवानी कितनी खूबसूरत है ना। ये वाला भी प्लीज, ये एक ब्लोंड है, मुझे कुछ हल्का चाहिए। मैं इस डिस्काउंट के साथ सब कुछ खरीद लेना चाहती हूँ। ये कैसा लग रहा है? ये तो आप पर बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो शायद इसे मैं अपने लिए भी खरीद लूंगी। ठीक है। हाँ, तो क्या तुमने तय कर लिया कि तुम क्या करना चाहती हो? मुझे नहीं पता, और मैं कल इस स्टोर में गई थी, एक ड्रेस खरीदी। क्या एड एजेंसी में काम करना दिलचस्प होगा? एड एजेंसी एक अच्छा बिजनेस है, लाभदायक है। मेरे एक मित्र ने मॉस्को मेट्रो का लोगो फिर से बनाया और उसने लाखों कमाए। पॉलिश, मैं पब्लिसिटी लिखूंगी। मैं सीवी लिखने में तुम्हारी मदद करता हूँ। हम तुम्हारे एक्सपीरियंस को थोड़ा बड़ा चढ़ाकर पेश करेंगे। और हाँ, मुझ पर एक एहसान करना, अपनी याददाश्त खो जाने के बारे में बाहर किसी को भी मत बताना, लोग इसे नहीं समझेंगे। और अगर किसी ने पूछ लिया तो? सवालों के जवाब देने से बचने की कोशिश करना, कहना कि तुम्हें अतीत को याद करना बिल्कुल पसंद नहीं। तुमने एक नया जीवन शुरू करने के लिए सेंट पीटर्सबर्ग छोड़ने का फैसला किया था। मैंने पासपोर्ट में तुम्हारा जन्म स्थान पीटर्सबर्ग लिखा है। अच्छा, मैं सभी को बधाई देता हूँ। क्लाइंट चाहता है कि हम उसका ब्रांड डेवलप करें। रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के लिए कोई नाम चुने जिसका मतलब है कि मस्कीटियर्स सबसे अच्छे हैं। ठीक है, सोचो कोई आइडिया सोचो, कुछ तो आएगा दिमाग में। तो क्या आओ शुरू करते हैं इसके लोकेशन से। मिनीपोलिस मॉस्को रिंग रोड से 13 किलोमीटर दूर ओपेलिखा में है। फायदा, पर्यावरण के अनुकूल निर्माण, मंजिलों की औसत संख्या, बेमिसाल मॉडर्न आर्किटेक्चर, कारों के बिना एक खुला आंगन, एक स्कूल और किंडर गार्डन के पास में, वो सब कुछ जो आपको पारिवारिक जीवन के लिए चाहिए। ये एक अच्छा आइडिया है, लिखो इसे लिखो। पारिवारिक जीवन के लिए आपको जो कुछ भी चाहिए, फिर और क्या? एक्सक्यूज मी। हेलो, मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आई हूँ। अलेक्जेंड्रा इगोरिवना को देर हो गई, लेकिन वो जल्दी यहाँ आ जाएगी। फिलहाल तुम यहाँ इंतजार कर सकती हो, जहाँ मर्जी वहाँ बैठ जाओ। तो पारिवारिक जीवन के लिए और क्या, सामान्य तौर पर ये अच्छा है, फिर भी परिवार इस प्रोजेक्ट में प्रकृति बहुत है। ये पूर्व सोवियत हॉलिडे होम सेरेब्रियांका का इलाका है, तो हमारे पास एक इलाका है प्राथमिक पर्यावरण के अनुकूल। अच्छा, क्या हम इसे सिमेनिया यूटनी कह सकते? नहीं, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो चुका है, ये बहुत क्लेशे है। क्लाइंट जगह के साथ सकारात्मक भावनाओं का संबंध चाहते हैं, ताकि दिल झूम उठे। जब कोई इंसान खुश होता है तो वो गुनगुनाने लगता है। प्रकृति हर जगह है, इसलिए लोगों में गुनगुनाने की ललक होनी चाहिए। मैं एक एडवर्टाइजमेंट की कल्पना भी कर सकता हूँ,
बच्चे और उसके माँ हाथ पकड़कर स्कूल जाते हैं, स्टोर जाते हैं, काम करने जाते हैं और हर कोई गा रहा है। ठीक है काफी अच्छा है ये, कुछ आगे और सोचते हैं। क्या आपने सिल्वर बर्ड को गाते सुना है? ये बहुत साफ आवाज वाली छोटी सी चिड़िया है। ये वही बसती है जहाँ दोस्ताना माहौल हो, बहुत सारी जगह और जहाँ पर धूप भी हो। सिल्वर बर्ड, क्या वाकई ऐसा कोई पक्षी है? मुझे याद नहीं है, शायद यह सिर्फ एक लीजेंड हो। ये कैसा पक्षी है? ऐसा पक्षी अगर नहीं है तो हम उसे बना लेंगे। ये विशेष रूप से हमारे प्रोजेक्ट के लिए डिजाइन किया जाएगा। सिल्वर बर्ड खुशहाली और सुखी पारिवारिक जीवन का प्रतीक है। हाँ, साथ ही हम इस जगह की यादों को भूल जाएंगे। सिल्वर मिस्ट के लिए भूला बिसरा सिल्वर मिस्ट, सिल्वर बर्ड आई और इस छोटे से स्वर्ग में एक नया जीवन लाई। वाओ, इसमें कुछ दम है, सुंदर लगता है और डिस्क्रिप्शन में भी फिट बैठता है। वैसे मुझे भी ये पसंद आया। सुनो, आइडिया के लिए शुक्रिया, ये मामूली नहीं है, है ना? मैं सहमत हूँ, इस लीजेंड के आधार पर हम एक अच्छे एड कंपनी के साथ आ सकते हैं। ये क्या लाता है? किस्मत, खुशी और सद्भाव। खुशी और सद्भाव, बिल्कुल सही। मस्कीटियर्स, मुझे माफ करना, तुम कौन हो? आन्या नोविकोवा, मैं यहाँ काम करना चाहती हूँ। समझ लो तुम यहाँ काम कर रही हो, सही कहा ना मैंने? मैं कब से काम करना शुरू कर सकती हूँ? कब से क्या, अभी से। आओ बैठ जाओ, ले एक कुर्सी। मैं लाता हूँ। समझ लो तुम्हें काम पे रख लिया गया है। प्लीज बैठ। मैं हूँ कोस्तिया और टीम के बारे में भी तुम्हें पता चल जाएगा। मैं तुमको यहाँ के सीईओ से मिलवा दूंगा और बेहतरीन उम्मीदवार के रूप में तुम्हारी सिफारिश भी कर दूंगा। और मुझे करना क्या होगा? मुस्कुराओ और अपने जीवन का आनंद लो, आगे बढ़ो और अपना कॉन्सेप्ट डेवलप करने की कोशिश करो, क्योंकि तुम खुशी के परिंदों की एक्सपर्ट हो। तुमने मुझे बुलाया? हाँ, मैंने बुलाया। लोगों को काम पर रखने की जिम्मेदारी तुमने कब से संभाल ली? और ये मत भूलो, मैं अभी भी यहाँ की सीईओ और तुम्हारी बॉस हूँ। वो प्यारी है। तो उसका प्यारी होना ये क्वालिटी है उसकी, है ना? बस करो, उसने वाकई एक अच्छा आइडिया सुझाया। मुझे यकीन है कि क्लाइंट इसे पसंद करेंगे। तो ऐसा करते हैं, अगर क्लाइंट इस आइडिया को एक्सेप्ट करता है और पैसा कंपनी के खाते में आता है तो हम तुम्हारी मनमोहनी को काम पर रख लेंगे। फिलहाल वो प्रोबेशन पर रहेगी। अरे क्या आप ठीक हैं? हाँ, आ जाओ। मैं ठीक हूँ। मुझे आपकी मदद करने दें, आप किस मंजिल पर रहती हैं? चौथी मंजिल पर। हम पड़ोसी हैं, मेरा नाम आन्या है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम लीडिया सेनोवायना, तुम लीडा कह सकती हो। आइए चलते हैं। हाय। क्या है? कुछ नहीं, मैं ये बच्चा चाहती हूँ। क्या इस उम्र में? तुम पागल हो गई हो, तुम पहले से ही दादी हो। तुमको क्या लगता है ये सिर्फ मेरी गलती है? कौन जानता था कि तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी? मुझे लोगों से आंखें मिलाते हुए शर्म आती है। तुम मत मिलाओ आंख। तुम स्वार्थी हो रही हो, तुमने बच्चे के बारे में क्यों नहीं सोचा? वो खेल के मैदान में, स्कूल में कैसा महसूस करेगा? सब उस पर हंसेंगे। मैं काम कर रही हूं और मैं रिटायर्ड हूं और मैं तुम्हारे सरप्राइज के बिना अपने बुढ़ापे का सामना करना चाहता हूं। मेरी इस उम्र में तुम बच्चे के बारे में कैसे सोच सकती हो? रातों की नींद हराम है, डायपर्स, क्या मुझे इसकी जरूरत है? तुम्हें तो एलियोना की भी जरूरत नहीं थी। मैंने मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार को संभाला। मैंने भी काम किया है। तुम ये बार बार क्यों दोहरा रही कि तुम भी काम करती थी और अब भी काम कर रही हो? अपने आप को देखो, कैसी माँ हो? एक सामान्य माँ। मैंने खुद एलियोना की परवरिश की
और दूसरे बच्चे की परवरिश भी खुद करूंगी। क्या तुमने मुझे पूछा था? ये गड़बड़ी तुमने की है, इसलिए इसे तुम खुद संभालो। मुझे इस बच्चे की जरूरत नहीं है। मेरी पहले से ही एक बेटी और एक नवासा है। मैं बैठ सकती हूँ? क्या आपको एक कैंडी चाहिए? ये मज़ेदार है। शुक्रिया। चलिए चलकर अपार्टमेंट में चाय पीते हैं। मेरे पास कुकीज़ हैं। आइए। मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ। एलियोना के बाद दूसरे बच्चे के लिए हमने लंबे समय तक कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर मेरी बेटी की शादी हो गई, नवासे का जन्म हुआ। मुझे लगा कि मैं मेनोपॉज से गुजर रही हूँ, लेकिन मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या तुम मुझे जज कर रही हो? नहीं, आप ऐसा क्यों सोचती हैं? लीजिए एक और कैंडी। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रही हूँ। तुम्हें मेरी समस्याओं से क्या मतलब? और मैं उनका बोझ तुम्हारे सिर पर डाल रही हूँ। आप बस बात करना चाहती हैं। कभी कभी अपने परिवार की तुलना में अजनबियों से बात करना आसान होता है। सच कहा तुमने। रोइए मत। मुझे बुलाने और चाय के लिए शुक्रिया। क्या तुम उसे दोबारा मिल सकती हो? बेशक आइएगा। शायद सर्गेई पॉलिच भी यहाँ होंगे। वो बहुत अच्छे इंसान है। सच में सर्गेई पॉलिच बहुत अच्छे इंसान है। अब मुझे चलना होगा। शुक्रिया। बाय। हाँ सर्गेई पॉलिच, सब कुछ ठीक है? मैं अपने साथियों के साथ लंच कर रही हूँ। मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगी। ओके बाय। तुम्हारे पास एक बेहतरीन टीम है। तुम सभी बहुत मिलनसार हो। तुम नहीं बल्कि हम सब। ये सब कोस्तिया का कमाल है। वो जानता है कि माहौल कैसे बनाया जाए, सभी को किसी मकसद का हिस्सा कैसे बनाया जाए। वो सभी को मस्कीटर क्यों कहता है? ओ, ये उसकी पसंदीदा किताब है। कभी कभी वो गुस्से में या गर्मी में चिल्लाता है, 10,000 शैतान। बिल्कुल सही। यहाँ तक कि फेसबुक पर टोपी और मस्कीटर पोशाक में उसकी एक तस्वीर भी है। इसे फोटोशॉप किया गया था। क्या तुम वीकन डाक्टर पर हो? हाँ एक सेकेंड। आन्या निवकावो। इस नाम के तो 10,000 लोग हैं। तुम कौन सी हो? मैं सोशल नेटवर्क इस्तेमाल नहीं करती। वाह। क्यों नहीं? तुम्हें तुरंत वी कॉन्टेक्टिव पर अकाउंट बनाना चाहिए। मेरी दादी का भी है और वो लगभग 70 साल की हैं। जी सर। प्लीज मुझे एक और कप चाहिए एक्सप्रेसो का। ओके सर। थैंक यू। देखो किसने आने का फैसला किया है। हेलो एक्सेंड्रा। हेलो एक्सेंड्रा गोरवना। हाय। बैठ जाओ। तुम बहुत बदल गई हो। बहुत बदल गई हो तुम। स्कूल में तुम्हारे गाल बहुत मोटे थे। शुक्रिया ओल्गा, तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो। ओह, तुम्हारी जितनी अच्छी नहीं। मेरे पास ब्यूटी पार्लर जाने का टाइम नहीं है। परिवार, कामकाज और दो बच्चों के कारण। वैसे तुम्हारी जिंदगी कैसी चल रही? बिल्कुल अच्छी है। कोई बच्चा नहीं, कोई पति नहीं। मेरा अपना बिजनेस है और मेरे पास ब्यूटी पार्लर जाने के लिए काफी समय है। तुम बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकती। साशिंका जिंदगी की घड़ी चल रही है। प्लीज मुझे बताओ, क्या मेरी जिंदगी की घड़ी इतनी जोर से टिक टिक कर रही है कि तुम सो नहीं पाती हो? एक औरत अकेली नहीं रह सकती, उसे परिवार की जरूरत होती है। मुझे समझ नहीं आता कि मेरी असफल जिंदगी तुम्हारे जीवन को कैसे प्रभावित कर सकती है। सेक्स अब उतना अच्छा नहीं रहा। ऑफिस से सैलरी देर से आती है।
इसी तरह जब तक तुम्हारी क्लासमेट शाशा की शादी नहीं हो जाती, वे बच्चे पैदा नहीं करती, तब तक वो सैलरी नहीं बढ़ाएंगे और बच्चों को स्कूल सर्टिफिकेट नहीं देंगे, है ना? मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, इसीलिए मुझे तुम्हारी चिंता है। आखिर हम स्कूल के दोस्त हैं। अच्छा मुझे बताओ, क्या चिंता करने वाला कोई और नहीं है? ओह मैं समझ गई, आगे से नहीं बोलूंगी। मैंने एक तकलीफ देने वाली बात छेड़ दी। तुम्हारे बारे में क्या, उसी जगह काम कर रही हो? खैर हर कोई बिजनेस लेडी नहीं हो सकती। तुम्हें पता है मैं भी एक बिजनेस चला सकती हूँ, लेकिन किसी किसी को बच्चे भी चाहिए होते हैं। तुम देखो ये कितना अच्छा है, और यहाँ सभी को अपने काम से मतलब है। क्या हम कुछ ऑर्डर कर सकते हैं? सैश मैं मुश्किल में हूँ। हमने कुछ गिरवी रखा था, मेरे पति को नौकरी से निकाल दिया गया। प्लीज मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। ओह तो ये बात है। मैं सोच रही थी कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त एक क्लासमेट फोन क्यों नहीं करती, मैसेज नहीं करती, कहाँ गायब है? पिछली बार हम करीब 6 साल पहले एक क्लास रीयूनियन में मिले थे, और अब मिले हैं आज। तुम्हें पैसे की जरूरत है। ओह ओल्गा, पैसा दोस्ती को बर्बाद कर देता है, और मैं दोस्ती को पसंद करती हूँ। तो तुम मुझे पैसे नहीं दोगी? नहीं। ठीक है। तुम घर क्यों नहीं गई? मैं प्रेस रिलीज तैयार कर लूं फिर जाऊंगी। तुम जानती हो पुराने वर्कहॉलिक्स हैं जिनके घर पर कोई नहीं है, वो देर रात तक काम करते हैं। मैं वर्कहॉलिक हूं और घर पर कोई मेरा इंतजार नहीं कर रहा है। हम बिल्कुल एक जैसे हैं, मेरा भी कोई इंतजार नहीं कर रहा है। आज रात मेरे साथ डिनर करोगी? यह किसी तरह से कंफर्टेबल नहीं होगा। क्यों? बस डिनर की तो बात है। सच कहूं तो मैं अकेले खाना खाकर थक गया हूं बहुत, और इसके अलावा मैं तुम्हारा बॉस भी तो हूं। तुम मुझे बताना कि तुम सेंट पीटर्सबर्ग से मॉस्को कैसे पहुंची। चलो ना चलते हैं। ठीक है, जैसा आप कहो। वाह, तुम्हारा बचपन कैसा था? पहले अपने बारे में बताओ। ठीक है, मैं एक बिगड़ैल खाता पीता बच्चा था। खरगोशों के बारे में कार्टून याद है तुम्हें? 4 छोटे बेटे और एक प्यारी सी बेटी। मेरी स्थिति बिल्कुल उलट है, 4 बहनें और मैं 5वां हूँ। तो तुम एक बड़े परिवार में पले बड़े हो। हाँ, मेरी बहनों ने अपनी गुड़ियों को त्याग दिया और मुझे पाला, खिलाया पिलाया वगैरह वगैरह। मेरी 7 भतीजियां हैं। मैं बहुत जल्दी ही नाना बन जाऊंगा, क्योंकि मेरी एक भतीजी अभी प्रेग्नेंट है। हमारा परिवार अभी इसी खुशी के इंतजार में है। मुझे समझ में आया कि एक बच्चे के रूप में तुम्हारी पसंदीदा किताब द 3 मस्कीटियर क्यों थी। तुम मर्दों की उपलब्धियां और काम चाहते थे। हाँ बिल्कुल, हालांकि नहीं, जब मैं किंडरगार्टन में था तब मेरी माँ ने मेरे लिए एक मस्कीटियर लिबास बनाया था। मुझे टोपी लंबा कोट तो याद है,
बहुत ही सुंदर लिबास था वो मस्कीटियर्स लिबास। हंसी आती है जब आप अपने बचपन को याद करते हैं ना। हम अमीर नहीं थे लेकिन एक तरह की खुशहाली थी। घर में हमेशा शोरगुल और भीड़ रहती थी। मेरी माँ बड़े बड़े बर्तनों में हमारे लिए खाना बनाती थी। मैं हाल ही में उनसे मिला। हम लोग खाबरो वस्क में रहते थे। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था, वही बर्तन, क्रिस्टल के साथ वही आरामदायक साइन बोर्ड, लेकिन एक तरह की उदासी, क्योंकि हर कोई दूर चला गया था। मेरी बड़ी बहन येकाटेरिनबर्ग में है और मेरी दो मंझली बहन क्रास्नोयार्स्क में है, छोटी बहन सरगुट में है और मैं मास्को में हूँ। तुमने शादी क्यों नहीं की? तुम पहले से ही 40 के हो। ये एक फिलोसफिकल सवाल है। मुझे मेरी बेटर हाफ नहीं मिली। अगर आप शादी करते हैं तो ये जीवन भर के लिए है। मेरे माँ बाप कितने सालों से साथ में हैं। डैडी कहते हैं कि जब मैं अपनी वाली से मिलूंगा मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाएगी। अब मुझे लगता है कि मेरा दिल सामान्य से ज्यादा तेजी से धड़क रहा है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं ये शायद तुम समझ सकती हो। टाका कार्डिया शायद टैक हाई कार्डिया। अब तुम बूढ़े हो चुके हो 40। चलो सभी पॉइंट्स पर फिर से गौर करते हैं। सब कुछ क्लियर है। हम हमेशा की तरह ऐसे ही काम करते हैं। एक और रेस्टोरेंट की ओपनिंग, इनमें से कितने पहले ही हम कर चुके हैं। मुझे लगता है कि हमें स्टार्स को इनवाइट करना चाहिए। मेरा मतलब है कि जो हमारा दोस्त हो। हमारे क्लाइंट्स के पास सीमित बजट है। शायद हम उन्हें पैसे से नहीं बल्कि किसी और चीज से आकर्षित कर सकते हैं। सॉसेज के साथ। चलो 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 एक फोटो ले लो। रुको, क्लिक। हाँ, अच्छी लग रही हो। लेडीज प्लीज। यस। चलो चलो चलो। वाह, ये तुम्हारे लिए। बिल्कुल बच्चे की तरह व्यवहार कर रहे हो। ओ, सभी बच्चियां नहीं। हाँ, ठीक है। स्टार्क। तुम्हारे लिए। ओह, थैंक यू। शुक्रिया। तुम भी लो। शुक्रिया। ओह, सुनो मस्कीटियर्स, मुझे लगता है कि हम डेड एंड पर पहुंच गए हैं। चलो घर चलते हैं, कल नया दिन नया विचार होगा। सहमत? चलो फिर ठीक है। हाँ, चलो चलते हैं। चलो। अरे वारी वारी वारी। खुशी कहाँ पे है? आज 30 अगस्त है और मेरा जन्म 1 अगस्त को हुआ था। लगता है ये नहीं जानती। हम स्टाफ वर्कर्स का जन्मदिन महीने के आखिरी दिन में मनाते हैं।
और इस महीने सिर्फ तुम्हारा ही जन्म हुआ है, तो तुम्हारी अकेले की पार्टी के लिए बधाई, फिर एक बार जन्मदिन की शुभकामनाएं। शुक्रिया। वहाँ सिर्फ मोमबत्ती क्यों है, मैं 25 साल की हूँ। सुनो, इतनी बोल मत बनो, ठीक है? हमने सारा पैसा केक, मोमबत्ती, गुब्बारों और शैंपेन पे खर्च कर दिया है, और सबसे अहम बात यह है कि ड्रम रोल, क्लाइंट ने तुम्हारी आइडिया को मंजूरी दे दी है, बिलियन डॉलर कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है। एंजॉय करो, केक आगे करो, लो फूंक मारो। ये भी तुम्हारे लिए है। ओह शुक्रिया। सुनो, तुम्हारे पास इतना पैसा है ऐना कि तुम हमें चाहो तो किसी क्लब में ले जा सकती हो। चलो चलते हैं। हैप्पी बर्थडे। क्या मैं भी कर सकता हूँ? हाँ हाँ, तुम भी किस कर लो। आन्या, आन्या, कार में आ जाओ। हाय, पिकअप के लिए शुक्रिया। कैसी हो तुम? तुम्हें पता है सब कुछ अच्छा है, तुम सोच भी नहीं सकते। मेरे साथियों ने कल मुझे जन्मदिन की पार्टी दी और हम सब क्लब गए। आन्या, मुझे लगता है कि तुम्हारी आदर्श फिर से खो गई है। तुमने कल मुझे क्लब से फोन किया था। ओ, सही बात। और मुझे लगता है कि तुम नशे में थी। सुनो, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। आओ देखें कि क्या तुम ड्राइव कर सकती हो या नहीं। मैं? याददाश्त खोने के बाद एक व्यक्ति के पास फिजिकल मेमोरी नहीं होती। चलो हम कोशिश करके देखते हैं, क्या तुम कार चला सकती हो या नहीं। चलो। ठीक है, कोशिश तो करो। हाँ, ध्यान से ड्राइव करो, इस तरह से, ठीक है? मैं ड्राइव कर रही हूँ। चलो चलो, आराम से आराम से। हाँ, अच्छा है, ध्यान से टर्न लो। ओके, बहुत खूब, वाओ, वेरी गुड, अच्छा लगा। तुम्हें पता है, मुझे यकीन था कि तुम कार चला सकती हो। अच्छा, और मैंने तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया है। सच में? थैंक यू। जन्मदिन की शुभकामनाएं। शुक्रिया। चलो लड़कियों, आगे बढ़ो, और एनर्जी। सुनो सुनो, रुको रुको रुको, डैश। लड़कियों, चलो एक एक बार में करते हैं इसे। तुम दोनों अभी के लिए हट जाओ, और तुम वहीं रहो बस। डैश, तुम्हारा नाम? एलन। एलन, रिलैक्स। हाँ, मुझे फीलिंग्स दिखाओ। फिर से पलटने की कोशिश करो। ठीक है, ओके। क्या हमारे पास और कोई मॉडल है? हाँ, मगर वो सफेद चांद दिखती हैं। मैं महसूस कर सकता हूँ कि कल क्लाइंट हमें लात मारने वाला है। वो ऐसा नहीं करेगा, हमें कम से कम एक ऑप्शन दिखाना जरूरी है। जबकि वो इस पर विचार कर रहे होंगे और सोचेंगे कि उनके लिए क्या काम नहीं करता, तब तक हम इसका हल ढूंढ लेंगे। और क्या ऑप्शन हो सकता है?
वो मुस्कुरा क्यों नहीं रही है? ठीक है, मॉडल्स कभी मुस्कुराती नहीं है। क्या तुमने मॉडल शो देखे हैं? वो कैटवॉक पर कैसे चलती हैं? खैर ये कमर्शियल है, इसमें इमोशंस आने चाहिए। हम एक खूबसूरत लड़की का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? मर्दों, औरतों और बच्चों को सुंदर लड़कियों के चेहरे पसंद हैं, लेकिन मूड भी अहम है। इसलिए हर कोई जिसने अस्तकोना गद्दा खरीदा है उसे इसे अपने घर का हिस्सा बनाना चाहिए। माशा एलिना एलिना एक तरफ हटो और आराम करो। अनन्या की तस्वीर लो। बैठना और लेटना आरामदायक है। अस्कोना के बारे में हम क्या जानते हैं? अस्कोना लीडर है, ये रूस में सबसे अच्छे गद्दे बनाता है। वाओ, आह, लीडर के गद्दे पर सोना अच्छा लगता है। तो क्लिक करो। आन्य सही है, मुझे भी लगता है कि मुख्य चीज भावनाएं हैं। इसलिए लेट जाओ इस तरह करवट लेकर पीठ के बल लेट जाओ। नहीं, ये घुटने इस तरफ रखो। अपने मोशन दिखाओ। वाह वाह, ये बहुत अच्छा है। हाँ हाँ, मेरी राय में तुम लोग हंस के रहे हो। कौन हंस रहा है? सब लोग सीरियस है यहाँ पर। चलो अपने इमोशन दिखाओ। मैं लंबे समय से इस गद्दे पर लेटना चाह रहा था। तुम्हें सब मिल गया? बहुत अच्छा। यस, हमने कर दिया, हमने कर दिया, गुड जॉब। सब लोगों का, अन्या तुम सबसे अच्छी हो। सब लोग क्लैप करो। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मैं कुछ समझी नहीं। हैप्पी बर्थडे। क्या? सॉरी, मैंने तुम्हारा पासपोर्ट देखा था। क्या हुआ? चेहरे पर खुशी लाओ और गिफ्ट खोलो। क्या तुम्हें पसंद आया? वाओ, बहुत ज्यादा। मैं हमेशा यही चाहता था। सच तो यह है कि मैंने 20 वर्षों से अपना जन्मदिन नहीं मनाया। यह शुरू करने का वक्त है। हमारे पास बर्थडे डिनर नहीं है? चलो कहीं बाहर चलते हैं। ग्रेट, तुम्हें मेरे लिए केक या कम से कम एक पाई खरीदनी होगी। ये अच्छी लग रही है, चलो यहाँ बैठते हैं। आराम से बैठ जाओ। हैप्पी बर्थडे। शुक्रिया। मैंने लंबे समय से किसी लड़की को कैफे में नहीं बुलाया है। ये मैं हूँ जो तुम्हें घर से खींच कर लाई हूँ। मैं तो अकेली रहकर बोर हो जाऊंगी। अकेले अकेले? तुम्हें पता है जीवन एक अद्भुत चीज है, अकेले खुश रहना मुश्किल है। आपको हमेशा किसी की जरूरत होती है। क्या तुम जानते हो कि छोटे केक बच्चे होते हैं? कोस्त्या ऐसा कहता है। कोस्त्या तुम्हारा बॉस है? ठीक है हाँ, लेकिन वो एक अजीब बॉस है। बॉस जैसा बिल्कुल नहीं। हम एक टीम है और वह सभी को मस्कीटर्स कहता है। बेशक वो खुद को डार्ट गनन कहता है। हाँ। एक स्पेशलिस्ट के दृष्टिकोण से या तो बचपन में वो ठीक से खेल नहीं सका या खेल उसके कुछ कमजोरियों को कवर करता है। उसे कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। कोस्त्या मस्त रहता है। मुझे लगता है कि तुम उसे पसंद करती हो। मैं सभी को पसंद करती हूँ और हर कोई मुझे पसंद करता है। अलेक्जेंड्रा को छोड़कर मुझे लगता है कि वह मुझे पसंद नहीं करती। खास औरतों वाली जगह। नहीं, अलेक्जेंड्रा ऐसी नहीं है। वह किसी से नहीं जलती। वह चाहती है कि हर कोई काम का अच्छा रिजल्ट दे। मुझे कोस्त्या के बारे में कुछ और बताओ। वो किस तरह का आदमी है? खैर, वह प्यारा, दयालु और मजाकिया है। अच्छे गुण जो लड़कियों को पसंद आते हैं। तुम क्या कहना चाहते हो?
बस जरा गहराई से सोच रहा हूँ। केक खाओ, ये एक बेबी केक है। मेरी उम्र 36 साल है, हम 2 साल से डेट कर रहे हैं और हम 4 महीने से एक साथ रह रहे हैं। हम अब इस तरह से और नहीं रह सकते। तो क्या हुआ? मैं बाद में सिंह धो दूंगा। मैं इसे हमेशा की तरह खुद धो दूंगी, नाश्ता और रात का खाना भी तैयार कर दूंगी और काम पर जाने से पहले कचरे का डिब्बा बाहर रख दूंगी। ठीक है, जैसा तुम चाहो। तुम्हें पता है मैं क्या चाहती हूँ? क्या कचरे का डिब्बा मुझे बाहर रखना है? रख दूंगा। कचरे का डिब्बा? मैं शादी करना चाहती हूँ। अगर तुम यही चाहती हो तो चलो शादी कर लेते हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मुझे परवाह नहीं है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। कब? जब तुम चाहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें वारिया याद है? वो ठीक बगल में काम कर रही थी, बिल्कुल बलून चूहे जैसी। उसकी एक पोनी टेल थी। हाँ, चूहे जैसी। वो अपने होंठ वगैरह ठीक करवाती है और दिखावा करती है कि वो मुझे पहचानती नहीं। मैंने कहा हेलो, उसने ऐसे दिखाया मामूली, जैसे हाँ, मामूली सी लड़की। पहले मिले हैं? हाँ, मामूली है। तुम्हें पता है ना वो कैसी है? और क्या सभी को हेलो 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 हाय। मैं तुम सबको खुशखबरी देना चाहती हूँ। हाँ हाँ, मैं शादी कर रही हूँ। बधाई हो। मलीरा, उसने तुम्हें आखिरकार प्रपोज कर ही दिया। हाँ, ये कितना रोमांटिक है। तो क्या तुम प्रेग्नेंट हो? मैं मजाक कर रही हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस। शुक्रिया। क्या तुम उसी से प्यार करती हो? आप मेरी उम्र में प्यार के बारे में बात नहीं कर सकती, मैं 16 साल की नहीं हूँ। तो तुम बिना प्यार के शादी कर रही हो, इसलिए मैं समझती हूँ कि उससे कुछ खास फीलिंग नहीं होगी तुम्हारी। अलेक्जेंड्रा इगोरवाना, मैं खुद का निष्पक्ष मूल्यांकन करती हूँ। मर्द मेरे पैरों पर झूठ नहीं बोलते। शक्ल सूरत से कुछ नहीं होता, बात सिर्फ इतनी है कि तुम 36 की हो और तुम्हें लगता है ये तुम्हारा आखिरी मौका है ना? हाँ, ये मेरा आखिरी मौका है। इसमें गलत क्या है? मुझे खुश रहने का अधिकार है। बेशक तुम्हें है, ऐसे आदमी के साथ कैसे रहोगी जिसे तुम प्यार नहीं करती? वो एक कमीनी है। यकीनन। नादिया, चिंता मत करो, हम तुम्हारे लिए खुश हैं। हाँ, बिल्कुल। चलो हमें बताओ कि शादी कब होगी, कहाँ होगी और हम कैसे जश्न मनाएंगे। सबसे अहम बात की क्या वहाँ सिंगल लड़की होंगे? ये भी बताओ, वहाँ सिंगल लड़कियाँ होंगी कि नहीं? हाँ, होंगे। वलेरा ने अपने सभी गैर शादीशुदा दोस्तों और सहयोगियों को इनवाइट करने का वादा किया है। मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी अमेरिकन फिल्म की तरह हो और मैं चाहती हूँ दुल्हन के सभी दोस्त एक ही गुलाबी पोशाक में हो। हाँ, कोस्तिया और मैं बताता हूँ, गुलाबी बो टाई वाली एक जैसी शर्ट पहनेंगे। क्या बो टाई? मैं समझा नहीं। नादिया की शादी हो रही है। हाँ। नादिया की शादी हो रही है, इसमें कोई शक नहीं कि राजधानी की सबसे अच्छी दुल्हन हमारी एजेंसी में काम करती है। दोस्तों, मेरे पास आपके कपड़ों के नाप के लिए एक मेजर टेप है। वैसे मैंने पहले ही कपड़ा खरीद लिया है। अच्छा सुनो, क्या मैं बिना ड्रेस के जा सकता हूँ? मतलब नंगा नहीं, मैं सिर्फ एक पैंट पहन लूंगा और कुछ नहीं। और मेरे लिए जमीन पर लटकता गाउन प्लीज। ओके ठीक है, अच्छा लगेगा। मैं जमीन पर लटकता हुआ स्कर्ट चाहता हूँ, जो फ्लोर लेंथ गाउन होता है ना, वही। हम किसका इंतजार कर रहे हैं? मैं शैंपेन लेके आता हूँ। हाँ। हाँ सरगई पॉलिच, मैं ठीक हूँ। मेरी साथी नादिया की शादी हो रही है। उसकी शादी हो रही है क्योंकि वो पहले से 36 साल की है। हाँ। इसमें गलत क्या है?
लोग तो परिवार, दोस्त, प्रेमी होने का दिखावा करना पसंद करते हैं, और कई तो खुश होने का नाटक भी करते हैं। वो खुश होने का दिखावा करते हैं और दूसरों को समझाने की कोशिश भी करते हैं। आपके पास एक परिवार और एक दोस्त होना चाहिए, और जिसके पास नहीं होता वो क्रिएट करते हैं। हर कोई नाटक नहीं करता है। हर कोई नहीं। ये अब सही है। मुझे खुशी है कि हमने ये सूट खरीदा। तुम पर अच्छा लग रहा है। हाँ, ये ठीक है। मैं मेहमानों के साथ ड्रिंक करने जा रहा हूँ। रुको, एक फोटो लेते हैं। एक ऐसे। काफी नाटक हो गया, मैं जा रहा हूँ। लड़कियों, चलो दुल्हन के साथ फोटो लेते हैं। चलो। आहा, बहुत अच्छे, परफेक्ट। आगे बढ़ो और दुल्हन को गले लगाओ। ग्रेट, जरा खुशी दिखाओ। इस तरह से। बहुत खूब, सब कुछ बहुत बढ़िया है। गुड वर्क। शुक्रिया दोस्तों। चलो दुल्हन के कुछ और फोटो लो। जरा घूम जाओ। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। आओ इस पल को यादगार बनाने के लिए एक फोटो लेते हैं। आ जाओ। आओ, स्माइल। सुनो, मैं तुम्हें एक मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकता। कौन खींच रहा है ऐसी तस्वीरें? हैं तो मस्कीटियर्स, यहाँ आओ। चलो 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 चलो, यहाँ आओ। अरे तुम गड़बड़ी कर रहे हो। अरे दुल्हन के पास में सहेलियां होनी चाहिए, मर्द नहीं, समझे? हाँ, तुम लोग ऐसे खड़े रहो, मैं यहाँ खड़े हो जाता हूँ। हाँ, अब सही लग रहा है। चलो अब फोटो खींचो। हाँ, सही लग रहा है ना? हाँ, सब ठीक है, ठीक है। सीधे खड़े हो जाओ। मुस्कुराओ यार, मुस्कुराओ। नहीं, मैं नहीं मुस्कुरा रहा। इडियट हो तुम। ऐसे समय में मुस्कुराना चाहिए सब लोगों को। चलो सब मुस्कुराओ। हाँ, दांत दिखाओ सब। मुस्कुरा रही हो ना? ये एंजॉयमेंट वाला दिन है। मरी हुई मक्खियों की तरह बात मत करो, समझे? स्माइल, ऐसा स्माइल करो। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। कॉन्ग्रेचुलेशन। शुक्रिया। तुमने पिंक ड्रेस क्यों नहीं पहनी? मैंने सबके लिए बनवाई थी। थैंक यू, लेकिन मैंने अपनी ड्रेस पहनी है। थैंक यू। तुम मुस्कुरा क्यों नहीं रही हो? मर्द इसे पसंद करते हैं जब औरतें मुस्कुराती हैं। तुमने ऐसा क्यों सोचा कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे पसंद करो? ये मेरी शादी का दिन है, उसने अलग तरह से व्यवहार क्यों नहीं किया? ध्यान मत दो, ये तुम्हारा जश्न है और तुम एक बहुत ही सुंदर दुल्हन हो। मेहमानों के पास जाओ, हर कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं भी वहीं रहूंगी। अलेक्जेंड्रा इगोरवना, रुको। तुम नादिया के साथ ऐसा क्यों कर रही हो? आज उसकी शादी का दिन है। बेशक, मुझे पता है। क्या कभी कभी सबके जैसा बनना मुश्किल है? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये जरूरी भी नहीं है। बुरा मत मानना, वो बस एक रानी है, उसे चमकने की जरूरत है। जानती हो, दुनिया में औरतें हैं साधारण भी, और अलेक्जेंड्रा जैसी भी। स्टार वो सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर। तो तुम्हें उसे देखकर बिल्कुल भी जलने की जरूरत नहीं है। वो बेरहम है। ये तुम्हारी गलतफहमी है। मैंने तुम्हें नहीं बताया, लेकिन
उसने इस शादी का आधा खर्च उठाया है और उसे मालिक से कहा है कि वो नादिया को कुछ ना बताए। तुम भी ऐसा जाहिर करो जैसे खुद तुमने ये छूट दी हो। और अब वो यहाँ सब कुछ बर्बाद करने आई है। ठीक है, तुम जैसा सोचती हो, वो सिर्फ चेक करने आई थी जो उसने किया आकर। क्या ये सब ठीक हो रहा है? वो प्यार में विश्वास करती है और नादिया, मुझे समझ नहीं आता कि आखिर उसने शादी क्यों की। देखो, शायद ये शादी से भागने का समय है। तुम्हें पता है अलेक्जेंड्रा शायद दुनिया की सबसे रोमांटिक औरत है। क्या मजाक कर रहे हो? आओ ना, वॉक पर चलते हैं। मैं एक बहुत अच्छी जगह जानता हूँ। नादिया नाराज हो जाएगी। ठीक है, चलो वापस शैंपेन और स्नैक्स की तरफ चलते हैं। मैं तुम्हारी पड़ोसन लिंडा से मिली। लिडोचका, लिडोचका, वो कैसी है? अच्छी है, वो माँ बनने वाली है। तुम्हारा मतलब है नानी? नहीं, नानी तो वो पहले से ही है, मगर अब वह माँ बनने जा रही है। लिंडा प्रेग्नेंट है। सच में मुझे बहुत खुशी हुई। मैं उसे फोन करके मुबारकबाद दूंगा। पॉलिच, ये बात तुम्हें परेशान नहीं करती? लिंडा अपने 60वें साल में है, उसका पति उसके खिलाफ है और वो हर समय लड़ते रहते हैं। क्यों लड़ते हैं? क्यों से तुम्हारा क्या मतलब है? उसने इसे बुढ़ापे में जन्म देने का फैसला किया। बेशक उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, लेकिन फिर भी। तुम 25 साल की हो, शादीशुदा नहीं हो और बिना बच्चों के। मेरे दौर में तुम्हारे साथ भी ऐसा ही कुछ व्यवहार होता। 80 के दौर में तुम्हें भी आनिया एक बेकार सी चीज समझा जाता। लोग हमेशा ऐसी बातें बनाएंगे और फैसले करेंगे, ऐसे ही चलता आ रहा है। कुदरत एक औरत को माँ बनाती है, ये एक चमत्कार है। इसके कोई नियम नहीं है, सभी लोग अलग होते हैं। ठीक है, तुम जानते हो शायद कोई विशिष्ट नियम नहीं है, लेकिन उम्र फिर भी असर तो करती है। क्या असर करती है? तुम जिस नजरिए से देखो, नहीं, हर कोई अलग दिखता है। हेल्थ सबकी अलग होती है, कोई भी बेजान दिल के साथ पैदा नहीं होता, और किसी का 80 की उम्र में भी एक इंजन जैसा दिल होता है। हम भी बढ़ती उम्र के साथ अनुभव हासिल नहीं कर पाते, हम इसे विभिन्न स्थितियों से गुजरते हुए हासिल करते हैं। और 25 साल की उम्र में आप एक अकलमंद और 45 की उम्र में बेवकूफ हो सकते हैं। आनिया, प्लीज समझ लो कि उम्र मौजूद नहीं है, ये बस नहीं है। उम्र किसी भी व्यक्ति की पहचान नहीं होती है। हम घर जा रहे हैं, हम तुम्हारे साथ घर जा रहे हैं, है ना? इतना काफी था, क्या तुम खुश हो? आ जाओ स्वीटी। ये आप क्या कर रही हैं? आप अपनी तारीख से पहले ही माँ बन जाएंगी। ठीक है, अपना बोझ तकलीफ नहीं पहुँचाता, जवानों को भी आराम की जरूरत होती है। क्या ये ठीक है कि आप भी जल्दी ही माँ बनने वाली हैं? ठीक है, चलो चलते हैं। चलो हनी, चलकर कुछ खाते हैं। हाय सरगई पालेच, मैं कहीं खो नहीं गई हूँ। मेरे पास अभी बहुत काम है, मैं बहुत बहुत अच्छा कर रही हूँ। क्या तुम सहयोग से प्यार में पड़ गई हो? तुमने ऐसा क्यों सोचा? तुम्हारी आवाज से पता लग रहा है। ओह, एक और कॉल आ रहा है डायरेक्टर कोस्तिया का। रात के 12 बजे हैं तो क्या हुआ? मैं तुम्हें बाद में या कल कॉल करूंगी, ठीक है? हाय, कैसे हो? सरगई, मुझे गलत मत समझना, मैं स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ और ना ही तुम्हारा मन बदलना चाह रहा हूँ, लेकिन क्या तुम्हें अंदाजा है कि ये एक्सपेरिमेंट कहाँ खत्म हो सकता है? हमारी पर्सनैलिटी में हमारी यादें शामिल होती हैं, हमारे आसपास जो कुछ भी होता है, अच्छे या बुरे लोगों के साथ हमारी बातें, यही हमारी पर्सनैलिटी बनाता है। जब हम अपने आसपास की दुनिया पर गौर करते हैं तो हम अपने जीवन के अनुभवों के मुताबिक करते हैं। मैं जानता हूं कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, लेकिन मेरे एक्सपेरिमेंट के मकसद बिल्कुल अलग हैं।
तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। पर्सनैलिटी, यादें, समाज, पालन पोषण, शिक्षा, ये सब अहम है, लेकिन एक आत्मबोध भी है। जब हम छोटे होते हैं तो हम पहाड़ों को हिलाने, जोखिम उठाने को तैयार रहते हैं, क्योंकि उस वक्त हमें हार का कोई अनुभव नहीं होता। सिर्गी, ठीक है, नौजवान हमेशा हमारी दुनिया के न्याय में विश्वास करते हैं। हाँ, लेकिन ये विश्वास किस पर आधारित है? इस सच्चाई पर कि आगे पूरा जीवन है और अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। जब हम जवान होते हैं तो गलतियां करने से नहीं डरते, लेकिन बड़े होने पर लोग अक्सर बदल जाते हैं। हम सतर्क और असफलता के लिए तैयार रहते हैं। हमारे लिए कोशिश करने की तुलना में कुछ न करना आसान होता है, और फिर हार का कड़वा डंक महसूस होता है। अब आन्या को देखो, वो आसानी से कोस्त्या के साथ एक नया रिश्ता शुरू करती है, क्योंकि उसे मर्दों के प्रति नाराजगी याद नहीं है, जो कि साफ तौर पर थी। लेकिन उसके पास तुलना करने के लिए कुछ भी नहीं है, उसकी याददाश्त मिट गई है। मैं तुमसे पूरी तरह सहमत हूँ, और तुम इसे अपने काम में शामिल कर सकते हो। मुझे भी इस विषय में दिलचस्पी है। ये बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है कि तुम इस विचार के साथ आने वाले पहले व्यक्ति कैसे हो। तुम भाग्यशाली हो, लेकिन तुम जानते हो कि एक बहुत ही मामूली सा नैतिक बिंदु है। वो एक जीवित व्यक्ति है, और इसलिए मैं ये नहीं कर सकता और ना ही समर्थन कर पाऊंगा। मैं फिर भी तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ। जल्दी मिलेंगे। जरूर मिलेंगे। एक चम्मच शक्कर कहोगी तो मैं सिर्फ एक चम्मच ही डालूंगा, और दो कहोगी तो मैं दो चम्मच डालूंगा, जैसा तुम चाहो। हेलो, प्लीज ध्यान दे, एक समस्या है। शीक मूवमेंट मैगजीन के संस्थापक बदल गए हैं और उन्होंने हमारे विज्ञापन को नहीं डाला है। रुको, क्या वो आने वाला है? हाँ, वो आने वाला है। क्लाइंट रिफंड चाहता है हमारे समझौते के मुताबिक, प्रतिदिन 1% के जुर्माने के साथ। इसलिए मुझे आप सब लोगों की तनख्वाह रोकनी पड़ेगी। ओह नहीं, हमें उनके कानूनी रूप को जानने की जरूरत है। अगर उनके पास LLC है तो सिविल कोड के आर्टिकल 87 के पैराग्राफ के 1 के मुताबिक नया संस्थापक पिछले संस्थापक के फर्ज के लिए जिम्मेदार नहीं है। हालांकि ये इस बात पर निर्भर करता है कि अधिकार कैसे ट्रांसफर किए गए, बिक्री, डोनेशन का काम या ग्रांट के आधार पर। हमें दस्तावेजों को देखने की जरूरत है। हो सकता है वहाँ पर कुछ पुराने दस्तावेज रजिस्टर हों। क्या पुराने संस्थापक तुम्हारे संपर्क में है? नहीं। अच्छा, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। किसी भी मामले में वह इनकम टैक्स तो देता होगा, क्योंकि हमने उसे विज्ञापन के लिए पैसा दिया था। क्या मामला अभी यहीं पर है? क्या हमने दोनों तरफ से काम पूरा होने की रिपोर्ट पर साइन किया था? हाँ, हमारे सभी दस्तावेज ठीक हैं। ठीक है, तो तुम्हें बस पुराने संस्थापक के खिलाफ मुकदमा तैयार करने और नए को शांत करने की जरूरत है, और वो खुद भी नहीं चाहेंगे कि उनकी मैगजीन का नाम कोर्ट में आए। बुरा नहीं है, मुझे कुछ काम निपटाने हैं, मैं शाम तक वापस आऊंगी। आने मेरा इंतजार करना, हमें बात करनी है। ठीक है, गुड बाय। गुड बाय। सुनो, तुम कानूनी दाव पेज में इतनी एक्सपर्ट कैसे हो गई? मुझे नहीं पता, ये सिर्फ मेरे दिमाग में आया। मुझे रात को ठीक से नींद नहीं आई और सुबह उठने में भी देर हो गई। ये बहुत अच्छा था, वाह, ग्रेट। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हैट्स ऑफ। क्या मैं आऊं? आ जाओ, बैठो। चाय या कॉफी? कॉफी बेहतर है, लेकिन अभी चाय चलेगी। चलो बात करते हैं। अपराध जैसी कोई बात नहीं, लेकिन मेरी सिक्योरिटी टीम को तुम्हारे बारे में कुछ जानकारी मिली है। तुमने सेंट पीटरबर्ग्स की ह्यूमैनिटेरियन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई नहीं की। जिस साल तुमने फॉर्म भरा उस साल वहां पर 3 आन्या नोविकोवा थी, उसमें से एक पूरी तरह हमनाम थी। हालांकि उसका जन्म अक्टूबर 1992 में हुआ था और तुम्हारा जन्म अगस्त 1993 में हुआ था। कौन हो तुम?
मुझे अतीत के बारे में बात करना पसंद नहीं है। मैं समझती हूँ कि हम सभी के पास ऐसी कहानियाँ होती हैं जिसे हम शेयर नहीं करना चाहते हैं, लेकिन तुम मेरी कंपनी के लिए काम करती हो और मेरे लिए यह जानना जरूरी है कि मैं किसके साथ काम कर रही हूँ। क्या ये मेरे काम के रिजल्ट को प्रभावित करता है? पिछले एक महीने में ही मेरे दो आइडिया को मंजूरी मिली है। तुमने खुद कहा था कि मैंने आज कंपनी के लिए बहुत सारा पैसा बचाने में तुम्हारी मदद की। मुझे छुपे रुस्तम पसंद नहीं है। क्या पता हमारे किसी राइवल ने तुम्हें भेजा? निश्चित रूप से नहीं। मुझे कैसे पता चलेगा? मुझ पर विश्वास करो। सुनो, मैंने 10 साल पहले इस विज्ञापन एजेंसी की स्थापना की थी। कोस्तिया तीसरा डायरेक्टर है और वो एक अच्छा लड़का है, लेकिन मुझे उस पर पूरा भरोसा नहीं है। मुझे किसी पर भरोसा नहीं है, यहां तक कि अपनी माँ पर भी नहीं। माँ? ओ अनिचका, अनिचका। मम्मी। मुझे आशा है कि माँ बाप के साथ तुम्हारे संबंध अच्छे रहे होंगे, लेकिन मैं उतनी भाग्यशाली नहीं थी। मेरी माँ ने मुझे 32 साल की उम्र में जन्म दिया था। उस समय देर हो चुकी थी, यह उनका आखिरी मौका था। वह एक शादीशुदा मर्द से प्रेग्नेंट हुई। वैसे उसने उनसे शादी नहीं की और किसी और को मेरी जरूरत ही नहीं थी। कुछ औरतों में ममता भी नहीं होती, उन्हें सिर्फ एक मर्द को जोड़ने के लिए बच्चों की जरूरत होती है। मैं क्यों तुम्हें यह सब बता रही हूँ? ये उल्टी साइकोलॉजी है। बेबाकी के लिए तो बेबाकी है। क्या तुम शादीशुदा थी? रिज्यूम के मुताबिक तो नहीं हो? नहीं। जब मैं 17 साल की थी तब मैं घर से भाग गई थी। वो मुझसे बड़ा था लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करती थी, और मैं अपनी माँ से भी ज्यादा प्यार नहीं करती थी। लेकिन मैं उसकी शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे अच्छी शिक्षा हासिल करने में मेरी मदद की और बहुत कुछ सिखाया। बिजनेस लेजर, जिनके लिए एक मर्द बिजनेस खरीदता है, ये सब मेरा अपना बनाया हुआ है। और शायद तुमने भी यही सोचा होगा कि इसके पीछे किसी अमीर मर्द का हाथ होगा। हर बिजनेस वूमेन के पीछे एक अमीर आदमी का हाथ होता है। नहीं, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। यहाँ एक बात है, किसी न किसी कारण से हर कोई अमीर मर्दों से प्यार करता है और एक कामयाब औरत से नफरत करता है। मर्द हमें कारोबारी दुश्मन के रूप में देखते हैं और औरतें सिर्फ जलन रखती हैं। मुझे जलन नहीं है, मैं कभी कभी तुमको समझ नहीं पाती। तुम्हें लगता है मैं एक कमीनी औरत हूँ? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। हाँ, संवेदनशील नहीं हो, हालांकि कोस्तिया ने कहा कि तुम बहुत रोमांटिक हो और तुम प्यार में विश्वास करती हो। कोस्तिया और तुम मेरे बारे में बातें कर रहे थे? ठीक है, उसे बुलाओ। चलो, बाकी बातें बाद में करेंगे हम लोग। हाय, क्या हुआ? अंदर आइए। मेरी मदद करो, दर्द शुरू हो गया है। चलिए चलते हैं। हाँ चलो। मुझे बताओ अभी तुम कहाँ हो? मैटरनिटी होम में। लिंडा जन्म देने वाली है। मैं एन्ना तुम्हारी पड़ोसी हूँ।
माफ करना, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ऐसे समय में उसे छोड़ने के लिए तुमने 30 साल पहले से शादी क्यों की थी? ये तुम्हारा बच्चा भी तो है। ये एक लड़की है, 8 पाउंड की, नॉर्मल डिलीवरी, हमने सोचा था शायद सिजेरियन करना होगा। ये एक लड़की है, 8 पाउंड की। ये एक लड़की है, 8 पाउंड की। पीटर इवानोविच, मेरे दोस्त, तुम समझते क्यों नहीं? एक व्यक्ति अपने पेशेवर कौशल को छोड़कर सब कुछ भूल सकता है। ये एक फिजिकल मेमोरी है। एक बार जब आप वॉल्ट सीख जाते हैं तो आप इसे 20 वर्षों बाद भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, आन्या को याद नहीं है कि वो कौन है, लेकिन कानूनी मामलों में उसका कौशल अभी भी मौजूद है। ये शुरुआती नुक्ता है। क्या तुम्हें हमारे उस सहयोगी का काम याद है? हाँ हाँ, जिसने डिप्रेशन पे काम किया था, लेविट्स की। हाँ, लानत है। हाँ, उसने भी साबित किया था कि खाने और सिर पर छत के बाद काम या सामाजिक महत्व व्यक्ति की जरूरत है। उसने अपने विशेष कौशल के विकास से डिप्रेशन ग्रस्त कुलीन वर्गों की पत्नियों का इलाज किया। मुझे कैसा पता चलेगा कि मुझे अभी क्या करना है और मेरा काम पूरा नहीं हुआ है? हाँ, मैंने अवार्ड के लिए अप्लाई किया था, लेकिन मुझे समय चाहिए। मुझे नजर रखने की जरूरत है, पैसे से इसका क्या लेना देना है? मैं लेविट्स की नहीं हूं, मैं विज्ञान में योगदान देना चाहता हूं। यह एक ऐसी चीज की खोज हो सकती है जो पूरी दुनिया को बदलने में सफल हो। आज हम कहां जा रहे हैं? हम किसी पार्क में टहलने जा रहे हैं या कहीं डिनर करने वाले हैं? हम पैदल नहीं जा रहे हैं, प्लेन से जा रहे हैं। हम गैलन जिंक के लिए उड़ान भरेंगे। वाओ, मजेदार है। शायद तुम्हें पता नहीं, कैंपिस्की के साथ हमारा एग्रीमेंट है। कंपनी के कर्मचारी के रूप में मैंने 50% छूट के साथ एक टिकट खरीदा है। मैंने अपने लिए तो पैसे दे दिए हैं और तुम मेरी +1 हो। मैं +1 नहीं हूँ। हो, बिल्कुल तुम +1 नहीं हो। तुम्हारा वजन तो नहीं बढ़ा ना? देखूं जरा। दिखा, तुम मोटी नहीं हो। मैं मोटी नहीं हूँ। सॉरी, तुम बिल्कुल मोटी नहीं हो। ठीक है, मैं तैयार हूँ। हम वॉक पर रहे हैं, तुम इस तरह की हील्स नहीं पहन सकती। ये हील्स नहीं, प्लेटफॉर्म शूज हैं। अच्छा, इससे सब कुछ बदल जाता है। और ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। जैसा तुम कहो। तुम्हें पता है, 90 के दशक में नए रूसियों की कहावत थी, आपकी 2 उंगलियों में सोने की अंगूठी और एक लंबी लड़की साथ होनी चाहिए। मैं अब एक नए रूसी की तरह महसूस कर रहा हूं। ये किस तरह का है? जीवन एक सफलता है। आओ सैर पर चलते हैं। Мою любовь
तुम्हारी ये हवाई चप्पल भी आरामदायक है। तुम इसके लिए सीरियस हो? हाँ। हील से ज्यादा ये आरामदायक है। 15 सेंटीमीटर। एक साथ हमारी पहली छुट्टी के लिए एग्जाम, क्या कोई दूसरा होगा? मुझे यकीन है कि एक तीसरा और 125वां भी होगा। हमारे सामने एक लंबी जिंदगी है हम दोनों के लिए। मुझे हमारी छुट्टी पसंद आई, बहुत बहुत सुंदर। मुझे खुशी है कि तुमने इसे पसंद किया। कैंपस की बहुत सुंदर है, लेकिन तुम उससे लाख गुना ज्यादा सुंदर हो, ट्रस्ट मी। तुम झूठी तारीफ कर रहे हो। नहीं। हाँ। बिल्कुल भी नहीं। कर रहे हो। नहीं। कुछ पल के लिए एक्सक्यूज मी। तुम शादीशुदा हो? तुम्हारी शादी को कितना वक्त हो गया? हम असल में शादीशुदा नहीं हैं। ठीक है, तुम 25-26 की लगती हो और वो कहीं 40 के आसपास का लगता है। बस 15 साल का फर्क है। 15 साल का फर्क बहुत ज्यादा है। मेरा और मेरे पति का भी सेम मामला था। ठीक है, अभी तुम 25 की हो और 35 की उम्र में तुम अपनी चरम अवस्था में होगी और वह 50 का होगा। मेरे पति 70 के हैं, वो हमेशा बीमार रहते हैं। मैं पत्नी से नर्स बनकर रह गई हूँ। मैं तो आराम करने के लिए कुछ दिनों के लिए उन्हें छोड़कर आ गई, अकेले ही। और तुम देख सकती हो मैं कितनी खुश लग रही हूँ अभी। मुझे असल में आपकी जिंदगी में कोई दिलचस्पी नहीं है। हम सबकी जिंदगी एक जैसी ही है। पहले शादी की, फिर बच्चे किए और फिर रूटीन, एक ही रूटीन। खुश मिजाज लड़कियों से हम एक थकी हुई निढाल औरतों में बदल जाती हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं बस सोच रही थी। चलो एक ड्रिंक लेते हैं। सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ हाँ, कुछ गलत तो नहीं? अच्छा, मुझे अपनी छुट्टी के बारे में बताओ। क्या तुम तस्वीरें देखना चाहोगे? बेशक। ये अच्छी है ना? हाँ, तुम बहुत खुश दिख रही हो और अच्छी भी लग रही हो। क्या ये अच्छी नहीं है? मुझे तुम्हारा अच्छा हाँ पसंद नहीं आया। मुझे बताओ। तुम्हें पता है मैं सच में कोसिया को पसंद करती हूँ। ये सिर्फ हमदर्दी नहीं है, ये कुछ और है। मुझे नहीं पता कि ये प्यार है या नहीं। मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी प्यार किया था, और वो मुझसे करीबन 15 साल बड़ा है। आन्या, उम्र का इससे क्या लेना देना है? क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे समझ नहीं आता कि लोग डेट ऑफ बर्थ पे इतना ध्यान क्यों देते हैं। हम एक व्यक्ति को देखते हैं, उसके साथ बात करते हैं, हम उससे प्यार करते हैं और फिर हम कुछ नंबरों की वजह से सब कुछ त्यागने को तैयार हैं। लोग इतने मूर्ख क्यों हैं? मैं मूर्ख नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ चीजें शेयर कर रही हूँ। मेरे पास खुलकर बात करने के लिए कोई और नहीं है। मेरी याददाश्त जाने के बारे में कोई नहीं जानता, और तुमने भी मुझे किसी को बताने से मना किया है। तुम कहाँ जा रही हो? कोस्तिया ने मुझे कुछ जश्न मनाने के लिए रेस्टोरेंट में बुलाया है। Thank you.
हाँ हाँ इवानोविच, हाँ हाँ मैं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। तुम्हें पता है मुझे लगता है कि ऐना के लिए कोस्तिया के बहुत अच्छे इरादे हैं, मुझे इसे क्या लेना देना। लगता है मैंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ, तुम बहुत बहुत सुंदर हो। तुम भी। रुको, तुम जानती हो मैंने कहीं पढ़ा है कि ये समझने के लिए कि ये आपका व्यक्ति है या नहीं, आपको ये कल्पना करने की जरूरत है कि बच्चे कैसे दिखेंगे और वो दिखने में उस व्यक्ति के जैसे होने चाहिए। मैंने इसी कल्पना की थी। मैं सच में चाहता था कि मेरी बेटी तुम्हारी जैसी हो, बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारी जैसी। मुझे नहीं पता है, मैंने अभी तक बच्चों के बारे में सच में नहीं सोचा है। अन्या, उसे शादी कर लो। कोस्तिया, मुझे ये नहीं पता कि मैं क्या कहूँ। मैं प्यार में हूँ, लेकिन मैं सिर्फ 25 साल की हूँ। मैं करियर बनाना चाहती हूँ। मैं असल में अभी शादी करने और माँ बनने के लिए तैयार नहीं हूँ। तुम देखो, हमारी उम्र का फ़र्क 1 या 2 साल नहीं है, बल्कि 15 साल है, और हम दोनों की उम्र का अंतर बहुत बड़ा है। यह कोई 2-3 साल का फर्क नहीं है, पूरे 15 साल का फर्क है। अगर तुम्हारी उम्र में सिर्फ 5 साल का फर्क होता तो क्या तुम उससे शादी कर लेती? सरगेई पॉलिच, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वैसे मैं तुम्हारे परिचय कराती हूँ। सरगेई कॉन्स्टेंटिन, अगर तुम 35 साल की होती तो क्या तुम उससे शादी कर लेती? ये तुम क्या कह रहे हो, और तुम यहाँ क्यों आए हो? उससे शादी कर लो। तुम 35 साल की हो। ये क्या मजाक है? जल्दी तुम 36 की हो जाओगी। ये किसका पासपोर्ट है? तुम्हारा। ये कैसे हो सकता है? ओह माय गॉड। जरा मेरी चीजों पर नजर रखिएगा। जी जरूर। तुम देखो, मैंने एक वैज्ञानिक लेख लिखा है और साबित कर दिया कि उम्र जैसी कोई चीज नहीं है। तुमको 10 साल छोटा महसूस कराने के लिए मैंने तुम्हारे पासपोर्ट में 1 अंक को बदलना काफी था, ये सच है। तो मैं तुम्हारे हाथ की कठपुतली थी? हाँ आन्या, उम्र मौजूद नहीं है, ये सिर्फ इंसान का खुद का एहसास है। ओह अनका, हाय। हाय। तुमको यहाँ आए काफी समय हो गया है, क्या तुमने शादी नहीं की? नहीं। हाय। हाय माँ, क्या तुम कुछ खाना चाहोगी? नहीं शुक्रिया माँ। क्या तुम अपनी बहन को हेलो नहीं कहना चाहोगे? हेलो। यहाँ कर अच्छा लगता है। तुम्हारे डैडी ने फोन किया था। सच में? उन्होंने कहा कि वो तुम तक नहीं पहुंच सके। ये है डार्लिंग जवान जिंदगी, उसके पास हमारे लिए इतना ज्यादा समय है, और हमारा गधा ग्रेजुएट होगा और अपने दम पर जिएगा। खैर, हम बूढ़े लोगों की तरह डाचा में अपना समय काटने जा रहे हैं। और तुम जानती हो, वेंका को फिजिक्स और मैथ्स फैकल्टी में प्रवेश मिल गया है। सच में? वो बहुत मुश्किल से पढ़ाई करता है,
गर्मियों की परीक्षा में वो एक सब्जेक्ट में फेल हो गया, इसलिए उसे अगले सेशन में फिर बैठना होगा। खैर मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे ग्रुप के आधे लोग एग्जाम में दोबारा बैठेंगे। तुम कैसी हो? तुम तो लंबे समय के लिए चली गई, कभी हमसे मिलने भी नहीं आई, कभी आ जाया करो। मैं एक साल से दूर थी। आनिया, मैं कुछ पूछना चाहती थी। क्या वो चली गई? वो आई ही क्यों थी? हेलो डैड। हाय। हेलो, मैंने तुम्हें एक हफ्ते पहले फोन किया था और तुमने जवाब नहीं दिया, तुम कहीं बाहर थी। तो क्या आपको पिछले हफ्ते ही मेरी याद आई? डैड, पिछली बार जब हमने लगभग एक साल पहले बात की थी तब मेरा जन्मदिन था। मुझे पता था, मुझे कुछ काम करने थे, हम एक ही शहर में रहते हैं। डैड, आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? बस अपने आप को याद दिलाने के लिए कि आप मेरे बाप हैं, आपकी एक जवान बेटी है। क्या आप ये जानते हैं मैंने इस साल क्या सीखा है डैडी? करीबी लोग वो नहीं होते हैं जिनके DNA मैच करते हैं, बल्कि वो होते हैं जो आपसे सच्चा प्यार करते हैं। मुझसे मिलने के लिए, कॉफ़ी के लिए, पाई के लिए शुक्रिया डैडी। बाय। अच्छी बातें कह गई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, साइकोलॉजी में सबसे अहम अवार्ड जाता है सरगई पावलोविच डवोरेस्की को, जाता है। तो तालियों का बड़ा दौर हो जाए। प्लीज मेरी बधाई स्वीकार करें। ये वैज्ञानिक काम मनोविज्ञान में एक वास्तविक क्रांति है। ब्रावो डवोरेस्की, ब्रावो। आपके विश्वास के लिए शुक्रिया। मैं कई दशकों से यह काम कर रहा हूं, अपनी उम्र के 20वें साल से ही। मैंने उम्र के प्रभाव के बारे में सोचना शुरू किया जब मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। हाँ, मैंने साबित कर दिया कि उम्र हमारे सिर में होती है, हमारे पासपोर्ट में नहीं। लेकिन ऐसा करने के लिए मुझे कई हदें पार करनी पड़ी, कानून और नैतिकता का उल्लंघन करना पड़ा। मैंने विज्ञान के लिए बलिदान दिया और आज ये अवार्ड मेरे हाथों में है। और सबसे बढ़कर मैं समय वापस लेना चाहता हूं। जब मैंने अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया तो मैंने केवल विज्ञान के बारे में सोचा। मैं इस विचार से ग्रस्त था और इसके लिए मैंने एक जिंदा व्यक्ति को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया। मुझे अंदाजा नहीं था कि इसका अंजाम क्या हो सकता है और आन्या मेरे इतने करीब आ जाएगी और उसे खोना कितना दर्दनाक होगा। एक्सक्यूज मी, शुक्रिया। ता
तो प्यारे दोस्तों, हम अपना पुरस्कार समारोह जारी रखेंगे, आप लोग बने रहें। मुबारक हो, महान काम, बहुत ही अहम। आन्या, तुम इसके जरूर काबिल हो, और मुझे तो तुमको जेल में डाल देना चाहिए या नैतिक नुकसान के लिए मुआवजा मांगना चाहिए। इसके लिए माफ कर दो। खैर, मैं तुम्हारी आभारी हूं। मुझे ये नहीं पता कि तुमने मुझे नया जीवन दिया या मुझसे मेरा एक साल छीन लिया, लेकिन ये जीवन का एक अच्छा अनुभव था। तुमने सच में मुझे अपनी जिंदगी सुलझाने में मदद की, मेरे प्यारे लोगों के साथ मेरे संबंधों को समझा, और इसके बिना मैं बहुत सी चीजों का पता नहीं लगा पाती, और मेरी कमजोरियों को दूर करने में मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। मुझे धोखा देकर तुमने साबित कर दिया कि उम्र सचमुच होती ही नहीं। आन्या, आन्या, कोस्तिया कैसा है? कितने साल के होंगे? अगर आप नहीं जानते कि आप कितने साल के हैं, विन डायर। Что скрыто от нас.